दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 सुपर से डुपर हिट निकला है, जिस वजह से बिग बॉस के मेकर्स पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है कि बिग बॉस सीजन 14 को उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 से भी ज्यादा हिट करवाना है। अब भाई हिट होगा या नहीं होगा वक्त के आने के साथ पता चलेगा, लेकिन शो के अंदर कौन कौन से कंटेस्टेंट आ सकते हैं इसकी जरूर लिस्ट सामने आ चुकी है कि आखिर इस शो के मेकर्स किन किन को अप्रोच कर रहे हैं। इसमें पहला नाम लिया जा रहा है मुनमुन दत्ता का। जी हाँ, मुनमुन दत्ता जो इस शो में नजर आ सकती हैं, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में 12 सालों से बीता जी का किरदार अदा कर रही हैं। इस शो के लिए उन्हें जब अप्रोच किया गया है तो 5 करोड़ रुपए भी उन्हें दिए जाने वाले हैं अगर वो इस शो में काम करे तो। वहीं दूसरा नाम है जान खान का। जान खान नजर आ चुके हैं कई सीरियल्स में काम करते हुए और उन्हें हाल ही में जी टीवी के सीरियल में भी देखा गया था और वो इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं क्योंकि अपने शो से उन्हें उनके काम का पैसा जो नहीं मिल पाया। वहीं तीसरा नाम पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी का सामने आ रहा है। आकांक्षा पुरी बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई हैं पारस छाबड़ा के साथ अपने ब्रेकअप के बाद से ही, और आकांक्षा अब इस शो में नजर आ सकती हैं। चौथा नाम है शहबाज बादशाह का, यानी कि शहनाज गिल, जो बिग बॉस सीजन 13 की जान और शान रही, उन्हीं के भाई। देखा जाए तो बिग बॉस सीजन 13 में देखा गया था शहबाज बादशाह को और वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग थे, जिस वजह से उन्हें बिग बॉस सीजन 14 में लेकर आया जा रहा है क्योंकि कॉमेडी का तड़का तो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं नागिन बन चुकी और जोया का किरदार अदा कर चुकी शो कबूल है में सुरभि ज्योति अब इस शो के अंदर आप सभी को नजर आ सकती है। जी हाँ, एक्टर सुरभि ज्योति को भी शो में लेकर आने के लिए मेकर्स अपनी ओर से भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। और अब अगर नाम लिया जाए एक और कंटेस्टेंट का तो वो है चाहत खन्ना, जो कि अपने 2 डायवोर्स की वजह से, 2 बच्चों की मां बन जाने की वजह से, वो भी छोटी ही उम्र में, इस वजह से सुर्खियां खूब बटोरती आई हैं। इस खूबसूरत अदाकारा को भी लेकर आने के लिए बिग बॉस के मेकर्स काफी ज्यादा यहाँ एक्साइटेड है क्योंकि इनकी जिंदगी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल जो बन चुकी है। वहीं अब आखिरी नाम आता है अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म सौगंध में उनकी को स्टार रह चुकी शांति प्रिया का। ये भी बन सकती है बिग बॉस सीजन 14 का हिस्सा। बता दें कि इनकी उम्र लगभग 50 साल की है और ये अगर इस शो में आती हैं तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग जरूर होगा कि ये शो में कितने वक्त तक टिक पाती हैं। वेल दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है? क्या आपको वाकई लगता है कि बिग बॉस 14 में ये सभी कंटेस्टेंट आएंगे? और हाँ, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है बिग बॉस सीजन 14 इस बार अपने वक्त पर आ भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तो काफी एक्टर्स किसी भी शो में काम करने से मना कर रहे हैं और कई शोज की शूटिंग भी, फिल्मों की शूटिंग भी टल चुकी है। तो क्या बिग बॉस सीजन 14 को शूट किया भी जाएगा या नहीं, ये आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।